हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो मेरी CBR के ऊपर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक में क्या हुआ है। ये बाइक के मेरे शॉकर सील लीक हो चुकी है, तो इसको करवाना है रिपेयर। और सामान मैंने बाइक का ले लिया था, शॉकर सील वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉकर ऑयल है, यामा ल्यूब है, तो आप ये मत सोचना मैं होंडा की बाइक में यामा का क्यों डाल रहा हूँ। आप ऑयल होंडा हो चाहे यामा हो, कोई हिस्सा भी शॉकर ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी R15 का बचा हुआ है शॉकर ऑयल, और ये शॉकर सील मैंने ले ली थी होंडा से, और इसका जो प्राइस है वो 310 है, तो मेरे को लेस करके मिला 290 का। तो होंडा का बेस्ट पार्ट मेरे को ये अच्छा लगा कि शॉकर सील के साथ साथ उन्होंने ऊपर हेड की कैप भी दी है और शॉकर पिन भी दी है, तो पार्ट काफ़ी अच्छे रिलायबल पार्ट है। और ये मैं अपने फ्रेंड को मैंने स्पेशली बुलाया है बाइक ठीक कराने के लिए, स्पेशली सुबह सुबह फ़ोन किया है, तो भाई थैंक यू यार आ गया तू। तो बाइक वगैरह कराते ठीक। तो भाई बाइक वगैरह के लिए तो फ्रेंड्स वगैरह हमेशा राजी रहते हैं, कभी भी फ़ोन कर दो बाइक तो कोई भी काम हो एकदम से आ जाते हैं। तो चलते हैं सीधा शॉप पर, वहाँ आपको बाइक वगैरह ठीक करवाते हैं, शॉकर सील डलवाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ सीधा शॉप पर मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड। शॉप पे आ चुकी है और बाइक मेरी वो खड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। कराते हैं बाइक के शॉकर सील वगैरह चेंज करवाते हैं, और भाई थोड़ा सा टाइम लगा रहे, बाइक लगी हुई थी, और हमारे रावत जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। क्या बोलना चाहिए ज़रा? मेरा काफ़ी पुराना मैकेनिक है ये, इससे मैं 8 से 9 साल से काम करवा रहा हूँ। भाई का नाम है सुनील, अभी अभी शादी करके आया हमारे भाई, तो फुल मूड में है काम करने के। कुछ कह रहा था मुझे, क्या कह रहा भाई? क्या कह रहा भाई इससे शॉकर के लिए? मैं गाड़ी को मक्खन करते, बहुत दूर जाना है। रोहित कह रहा है बाइक को एकदम बढ़िया बना दो, अभी हमने बहुत लंबा ट्रिप करना है। तो फाइनली ये सारा खोल दिया सामान वगैरह, और ये शॉकर को हमने पेट्रोल से धो दिया, ये सारा पेट्रोल से धो लिया है। ये मंग भी आ गया जिससे हम ये शॉकर ऑयल मेजर करेंगे, अब इसको मेजर करके लगाना है और शॉकर सील वगैरह इसमें लगानी है, तो इस मंग से मेजर करके हम शॉकर ऑयल डाल देंगे। तो बाइक की शॉकर की सफाई वगैरह हो रही है, और अच्छे से इसको साफ करके क्लीन करके इसमें शॉकर सील लगाएंगे और ऑयल वगैरह डालेंगे। सफाई वफाई हो गई है और ये शॉकर लगा दिया, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, पेट्रोल से भी धो दिया, पानी से भी धो दिया, अब इसका फिटिंग का प्रोसेस। हमारे शॉप के ओनर आ चुके हैं जिनका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, इनका नाम है मनोज जी। इनका काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था, और अब ये मेरी वाइफ का काम कर रहे हैं सारा। कहाँ चले गए थे, वेट कर रहा था आपका? तो भाई इनसे काम करवाते हैं मुझे, आई थिंक कम से कम 8 से 9 साल हो चुके हैं, तो मैं 2012 से यहाँ पर काम करवा रहा हूँ, आज 2021 आ गया। तो मेरी R15 CBR जितना भी काम होता है वो यही करते हैं।
जो शोकर ऑयल जो मेजर किया है वो डाला है 300 ml। तो फाइनल चेक इन चल रही है शोकर की और अब करते हैं इसको फिट इसमें। ओके अच्छा, बाइक का मेरा शोकर का सारा काम हो गया और अब ये टायर फिट कर रहे हैं, उसके बाद चलता हूँ घर, चाय वाय पीता हूँ। यार सुबह सुबह आई है मैं यहाँ पे 9 बजे और अपने दोस्तों भी बुलाया मैंने सुबह, ऑफिस का काम करना था, काम छोड़ के आया है। तो भाई वैसे सपोर्ट के लिए तो यार मेरे फ्रेंड काफ़ी सही है यार। तो ये सुनील भाई टायर लगा रहे हैं हमारे। फाइनली सारा काम हुई है बाइक का और मैं अभी घर पे आ चुका हूँ। तो शोकर वगैरह मैंने रिपेयर वहाँ पे करवा दिए थे और अब एक छोटा मोटा बाइक का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। एक तो इसकी चेन वगैरह बहुत ज़्यादा रस्ट हो रही है, ये दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से वॉश वगैरह करना है। और जो दूसरा काम बचा है मेरी बाइक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, वो इसके डिस्पैच चेंज होने हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। छोटा मोटा बाइक का काम रहता है तो बस यही है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।